तो दोस्तों आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पे रिलीज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों लातूर ज़िले के कारला गांव में हम आए दोस्तों। यहाँ पर इस घर के अंदर एक जो पत्थरों का ढेर है जहाँ पर लगा के रखा है ढेर, जो उसके अंदर एक सांप बैठा है, बड़ा सा कोबरा सांप है शायद। और इन्होंने देख के हमें कॉल किया, यहाँ पर ध्यान रखा है पूरे लोगों ने यहाँ के, और ध्यान रखकर हमें कॉन्टैक्ट किया है। तो हम आए दोस्तों, इस सांप को रेस्क्यू करेंगे और सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। खाली पडेल का? त्याला काय होते का? काय होत नाही ना, मार लागू नये तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक हाईली वेनमस जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि बहुत ही घातक होता है दोस्तों ये सांप, और बिग साइज में है दोस्तों ये काफी। अगर ये काट ले तो आदमी की 1 से 1.5 घंटे के अंदर मौत हो सकती है दोस्तों। और न्यूरोटॉक्सिक इसका जहर होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के नर्वस सिस्टम पर असर करता है ये सांप, इसका जहर। ज़्यादातर ठंड के मौसम में रसल वाइपर या फिर दूसरे सांप देखने को मिलते हैं, एक इंडियन रैट स्नेक, और कोबरा सांप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हम इसे जितना हो सके आराम से निकालेंगे क्योंकि पत्थर का ढेर है और इसको भी लगना नहीं चाहिए।
इसको भी जख्म नहीं होनी चाहिए और हम इसको सेफली रेस्क्यू करेंगे। कोबरा मला छेडलं वगैरे नाही ना काय म्हणजे धक्का बुक्की वगैरे काय नाही डायरेक्ट आ करतो त्यामुळे बंद तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि बहुत ही ज्यादा बिग साइज में है दोस्तों। बहुत ही बिग साइज में है दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं। और ठंड के मौसम में ज़्यादातर ये गर्मी पाने के लिए घर के करीब आ जाते हैं दोस्तों ये सब। इसका गुस्सा आप देख सकते हैं दोस्तों और बहुत ही तंदुरुस्त है दोस्तों ये सांप। खाते पीते घर का है ये और ये खाते पीते घर में ही आया है ये। हम इसे देखते हैं दोस्तों सुरक्षित जितना हो सके रेस्क्यू करने की रेस्क्यू किया है इसे रिलीज अच्छी जगह पर कर देंगे दोस्तों इसको बहुत ही सही सांप है दोस्तों ये। बहुत ही साइज इसका देखेंगे ना बहुत ही बड़ा साइज है इसका। बहुत ही ज्यादा बिग साइज है ये शायद हमने आज तक में ये बहुत ही बड़ा रेस्क्यू किया है पहली बार। आप देख सकते हैं इसको नहीं मार रहे नहीं मारला असता का मग लागला एक काम कर पिशवी तो तू नको घेऊ त्यांच्या हातात दे पिशवी जाते जाते काही प्रॉब्लेम हात जड झालाय माझा बर का जास्त वेळ नाही थांबू शकत काय माहिती नाही स्टिक माझ्या हातात लय झाली जास्त हातातून जात नाही हो एकदा पकडलेला साप आमच्या त्याच टेन्शन नाही एकदा पकडल्या गुंडाळू द्या